बदल गया दालम्याज का फैसला। एक बार फिर से होगा नित्यम और सावी का आमना सामना। कलर्स टीवी शो सावी की सवारी के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि सावी की माँ सोनम और रक्षम के रिश्ते के खिलाफ है। वो नहीं चाहती है कि एक और बेटी दालम्या परिवार की बहू बने। वेल, इस बार सावी की माँ भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर सोनम को सपोर्ट कर रही है और वो सबको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर सोनम और रक्षम की शादी नहीं होगी तो सोनम की बदनामी होगी। अब सावी की माँ ये बोलती है कि अगर मैं इस रिश्ते के लिए मान भी जाऊंगी तो दालम्याज इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। कि तभी घर में एंट्री होती है दालम्या परिवार की और वेदिका दालम्या बोलती है, हम इस रिश्ते के लिए तैयार है या नहीं इस बारे में तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था। वेदिका, नित्यम और रक्षम एक बार फिर से एक साथ आए सावी के घर में और इस बार उनके पास है गुड न्यूज। रक्षम के बिहेवियर और दादाजी के समझाने के बाद वेदिका अपने फैसले को बदल देती है और अब वो तैयार है सोनम और रक्षम की शादी के लिए। विलम्ब शादी की वजह से एक बार फिर से आमना सामना होने वाला है सावी और नित्यम का और पूरी शादी में इन दोनों को एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ेगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या होगा इन दोनों का रिएक्शन। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।